अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। यूट्यूब चैनल पर एक नई वीडियो के साथ मैं सईद मुगल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा सबिया खानम के बारे में। अदाकारा सबिया खानम का असल नाम मुख्तार बेगम था। आप 16 अक्टूबर 1935 को पंजाब के शहर गुजरात में पैदा हुए। आपके वालिद मोहम्मद अली माहिया और वालदा इकबाल बेगम आपको बचपन ही में लाहौर ले आए। आपको पहली बार लाहौर में एक स्टेज परफॉर्मेंस का मौका मिला। 1948 ईस्वी में एक सकाफती ताइफा सियालकोट में सिनेमा के विजिट के लिए गया, जहां उन्होंने फिल्म सस्सी पुन्नू का एक गीत परफॉर्म किया। अदाकारा सबिया खानम इस परफॉर्मेंस का हिस्सा थी। इसके बाद मोहम्मद अली माहिया मशहूर स्टेज राइटर शायर खलीक नफीस के पास अपनी बेटी को लेकर गए। खलीक साहब उन दिनों बुत शिकन के नाम से ड्रामा परफॉर्म कर रहे थे। उन्होंने अपने इस ड्रामा में मुख्तार बेगम को काम का मौका दिया। नफीस खलीक ने ही उनको मुख्तार बेगम से सबिया खानम का फिल्मी नाम दिया था। नफीस खलीक की वसातत से सबिया खानम की मुलाकात मसूद परवेज साहब से हुई, जो उन दिनों फिल्म बेली बना रहे थे। उन्होंने खलीक साहब के कहने पर सबिया को इस फिल्म में मरकजी किरदार दिया। इसके बाद 1950 ईस्वी में मशहूर डायरेक्टर अनवर कमाल पाशा की सिल्वर जुबली फिल्म दो आंसू में भी सबिया खानम ने मरकजी किरदार अदा किया। यूं कहा जा सकता है कि पाकिस्तानी सिनेमा की खातून अव्वल या पहली नामवर हीरोइन सबिया खानम ही थी। सबिया खानम ने अपने फिल्मी कैरियर के दौरान 200 से ज्यादा फिल्मों में अहम किरदार अदा किया। इनमें 131 उर्दू और 61 पंजाबी फिल्में शामिल थी। आपने 5 पश्तो फिल्मों में भी काम किया। आपकी मकबूल फिल्मों में दो आंसू, गुमनाम, सस्सी, दुल्ला भट्टी, हमीदा, छोटी बहन, सरफरोश, इश्क लैला, वादा, आंख का नशा, सरदार, सात लाख, मुखड़ा, मौसीकार, दामन, कनीज, सवाल, देवर बाबी, आग, सजना दूर दिया, अंजमन, तहजीब, एक गुनाह और सही, अनाड़ी, पहचान, अनोखा दाज, इश्क नचावे गली गली, शेख चिल्ली, समाज, बायकॉट, कामयाबी, जिंदगी, दीवाने दो जैसी यादगार फिल्में शामिल थी। सबिया खानम के कैरियर की आखिरी फिल्म हदायतकार अल्ताफ हुसैन की मर्द जीने नहीं देते थी। सबिया खानम ने बेहतरीन अदाकारी पर 6 बार पाकिस्तान का सबसे मोतबर एजाज निगार अवार्ड हासिल किया। पहली बार 1957 ईस्वी में फिल्म 7 लाख, 1963 ईस्वी में फिल्म शिकवा, 1967 ईस्वी में फिल्म देवर बाबी, 1975 ईस्वी में फिल्म एक गुनाह और सही, 1981 ईस्वी में 30 साल फिल्मों में लगातार काम करने पर आपको खसूसी तौर पर अवार्ड से नवाजा गया। 1982 ईस्वी में एक बार फिर आपने फिल्म संग दिल में उम्दा अदाकारी पर बेहतरीन अदाकारा का निगार अवार्ड हासिल किया। 1986 ईस्वी में आपकी फनी खिदमात के एजाज में हुकूमत पाकिस्तान ने आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के इजाज से नवाजा। सबिया खानम ने 1958 ईस्वी में मशहूर अदाकार संतोष कुमार के साथ शादी की। संतोष पहले ही शादी शुदा थे। सबिया खानम की औलाद में एक बेटा सैयद अहसन रजा, जबकि दो बेटियां फरिया शहरयार और आफिया चौधरी शामिल है। सबिया खानम की जोड़ी को उनके मियाँ संतोष कुमार के साथ बहुत ज्यादा पसंद किया गया। उन्होंने अपने कैरियर
के दौरान संतोष के साथ सबसे ज्यादा 47 फिल्मों में काम किया। सबिया खानम तवील अरसा से अपनी बेटी के साथ वर्जीनिया अमेरिका में कयाम पजीर थी। 13 जून 2020 को आपने 84 साल की उम्र में वफात पाई। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो बेल के आइकन पर क्लिक करें। मजीद अच्छी अच्छी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।